हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन, और उसमें हम लोग अभी ये पढ़ेंगे कि कैसे शुगर का या फूड का एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम फ्लोएम या सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब या फ्लोएम से फूड के ट्रांसपोर्ट होने के लिए बहुत सारी थेरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी। ठीक है, किसी ने बोला डायरेक्ट डिफ्यूजन से होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, किसी ने बोला कि एक्टिवेटेड डिफ्यूजन से होता है, किसी ने बोला कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होता है, किसी ने बोला इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से होता है, तो किसी ने बोला प्रेशर फ्लो से होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की थेरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मैकेनिज्म दिए कि ऐसे फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता होगा। ठीक है, बट इसमें से सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग जो थेरी थी वो है मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। मतलब मंच नाम के एक साइंटिस्ट थे और मंच ने ये जो थेरी दी, इनको बोला जाता है मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से ऐसी एक थेरी दी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत अच्छे से या क्लियरली समझ सकते हैं कि प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली कैसा होता होगा। ठीक है, तो इस थेरी के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज पैसिव। पैसिव मतलब फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअली पैसिव है थ्रू फ्लोएम। ये ध्यान देना कि फ्लोएम के थ्रू फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो पैसिवली हो रहा है, मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही। ठीक है, बाय डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट। तो एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है कि सीव ट्यूब हमको पता है फ्लोएम का पार्ट है, तो फूड अगर यहां से यहां जा रहा है तो यहां हायर प्रेशर होगा और यहां लोअर प्रेशर होगा। तो फूड अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर बनेगा, तो फिर उससे लो प्रेशर। तो फूड हमेशा अपने प्रेशर ग्रेडियंट से होते हुए ट्रैवल करता है और इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यह समझा कि बहुत सारी थेरीज आई, लेकिन सबसे कन्विंसिंग थेरी मंच नाम के साइंटिस्ट ने दी, जिसको बोला गया मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, मंच की प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखो ये हमारा जो पार्ट है ये फ्लोएम का पार्ट है। फ्लोएम में सीव ट्यूब होते हैं और साइड में हमने साइलम भी ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहां पे होता एक्चुअली क्या है कि जो पार्ट फूड बनाता है, फूड बनाने वाला पार्ट एक फोटोसिंथेटिक सेल होगा, जो कि हम देखते हैं कि कोई भी पैरेन्काइमा सेल, ठीक है, जिसको हम एक तरीके से मेसोफिल सेल बोलते हैं लीफ में, तो ये फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने ग्लूकोज बना दिया, ठीक है, तो उसको हम सोर्स बोलेंगे। जो ग्लूकोज बनाएगा, जो फूड बनाएगा, उसको सोर्स कहा जाएगा, और जो उस फूड को यूटिलाइज करेगा या स्टोर करेगा स्टार्च के फॉर्म में, उसको सिंक कहा जाएगा। सही है, तो हमने बोला कि सोर्स में यहां पे एक फोटोसिंथेटिक सेल में ग्लूकोज बन गया। जो ग्लूकोज बन गया, तो ग्लूकोज के वजह से जब ग्लूकोज बनते जाएगा, तो ग्लूकोज के वजह से वहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। लॉजिक लगाओ, एक सेल के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज बन रहा है, मतलब वहां पे सॉल्यूट बढ़ रहा है, और हमने पढ़ा है कि जहां सॉल्यूट बढ़ेगा उसी के साथ साथ वहां पे सॉल्वेंट भी बढ़ेगा। तो क्योंकि यहां पे सॉल्यूट बढ़ गया, तो पानी की मूवमेंट अंदर होगी, एंडो ऑस्मोसिस होगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, एक एंडो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी और ये सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड होने के कारण अब ग्लूकोज फोर्स होगा कि वो सीव ट्यूब में जाए, लेकिन ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं जा सकता क्योंकि ग्लूकोज यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है, क्योंकि पहले भी इसने ट्रांसपोर्ट कर रखा है, और यहाँ कम होता है। तो एक्चुअली क्या है कि ग्लूकोज यहाँ से पहले कंपेनियन सेल में जाता है, और कंपेनियन सेल से फिर ग्लूकोज जाता है सीव ट्यूब, और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है, मतलब यहाँ एनर्जी लगती है। तो आपने यहां पे समझा कि फूड का ट्रांसपोर्ट पैसिव होता है, बट किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां फ्लोएम के थ्रू जब जाएगा तो पैसिवली जाएगा, लेकिन जब ये ग्लूकोज मेसोफिल सेल से, यानी जहां पे ये बना है, जहां पे इसकी सिंथेसिस हुई है, वहां से ये कंपेनियन और कंपेनियन से ये सीव ट्यूब में जा रहा है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। इसको बोलते हैं लोडिंग, इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑफ फूड, लोडिंग ऑफ फूड, फूड की लोडिंग हो रही है, और फूड की लोडिंग जो हो रही है तो ये लोडिंग में एनर्जी लगती है। ग्लूकोज पहले कंपेनियन और कंपेनियन से एक्टिव, स्टेट बोर्ड में ये दिया नहीं है, बट आप इसको कंसिडर करो, ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज है कि पहले ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंपेनियन सेल में होता है, और फिर कंपेनियन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब में बहुत सारा ग्लूकोज आ गया, ऑब्वियसली बहुत सारा ग्लूकोज अगर यहाँ पे आया, मतलब यहाँ भी सोल्यूट बढ़ा। अगर सोल्यूट यहाँ पे बढ़ गया तो आजू बाजू के सेल का पानी भी इसमें आएगा, क्योंकि सोल्यूट बढ़ा तो सॉल्वेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, बाहर से भी पानी का ट्रांसपोर्ट होता है H2O, मतलब आजू बाजू से, और जो जाइलम बाजू में हुए इसके, तो जाइलम से भी पानी का ट्रांसपोर्ट यहां पे होता है।
तो क्योंकि अब पानी का यहां ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब यहां क्या हुआ, यहां हुआ क्या, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, पानी अंदर आया, ऑस्मोसिस मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट, एंडो मतलब सेल के अंदर। तो सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस हुआ तो एक प्रेशर क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, पानी की वजह से जो प्रेशर आया वो बढ़ गया। अब उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ग्लूकोज जो है वो अपने हाई प्रेशर से कहां जाएगा, लो प्रेशर, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां है जिसमें ग्लूकोज सॉल्युबल है और वो अब अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से यहां लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहां पे कम प्रेशर है तो यहां जाएगा। जब यहां आएगा ग्लूकोज और पानी तो प्रेशर यहां बढ़ जाएगा तो ये अपने नीचे वाले सेल में जाएगा। ऐसे करते करते अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, मतलब अपने हायर अपर पार्ट से ये लोअर पार्ट तक पानी ट्रैवल कर सकता है, मतलब अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जहां भी फूड जाना है ये जा सकता है। ठीक है, अब ये चला गया फूड और ये पैसिवली गया, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है फूड का, ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट है ग्लूकोज का या सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा है ना, तो फूड सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट पैसिव है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, अब पैसिवली फूड यहां तक जब आ गया तो अब जब फूड को निकलना है बाहर, फिर से उस टिश्यू में जाना है जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उस टिश्यू में जाने के लिए उसकी अनलोडिंग होगी। यहां पे लोडिंग हुई थी, यहां अनलोडिंग हुई थी, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको अनलोडिंग ऑफ फूड कहेंगे। ठीक है, अनलोडिंग में भी क्या होगा, फिर से ये सुक्रोज जो है यहां से सीव ट्यूब सेल से कंपेनियन सेल में आएगा और कंपेनियन सेल से फिर एक्टिवली कहा जाएगा ये उस सेल में जहां उसको जाना है, जहां उसका स्टोरेज होना है, तो इसका भी ट्रांसपोर्ट एक्टिवली होगा। तो मैंने बोला कि जो लोडिंग और अनलोडिंग है वो एक्टिव होगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम थ्रू सीव ट्यूब है वो प्रेशर फ्लो के मदद से हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली जब वो अनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है, ध्यान देना, यहाँ पे जो ग्लूकोज आएगा ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च, तो ग्लूकोज सारा स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च की वजह से अब पानी नहीं रुकेगा यहाँ पे, तो इसका पानी बाहर निकल जाएगा, तो इसमें एक्सोऑस्मोसिस होगा और इसकी टर्जिडिटी लो हो जाएगी, लो टर्जिडिटी या फ्लैसिड बोल सकते इसको, फ्लैसिड, ये सेल फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड मतलब इसमें पानी नहीं रुक रहा है और ये सेल टर्जिड हो जाएगा। तो एक देखो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट दिख रहा है। ठीक है, सोर्स में हाई प्रेशर ऑफ वाटर है जिसके वजह से फूड आगे जा रहा है कहाँ पे, सीव ट्यूब में, और सीव ट्यूब में भी हम देखते हैं कि फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्रेशर के कारण। ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ ये प्रेशर से ही ट्रांसपोर्ट हुआ, हालांकि उसमें एनर्जी लगी लेकिन प्रेशर आया तभी ट्रांसपोर्ट हुआ। उसके बाद ये प्रेशर से ट्रांसपोर्ट हुआ, पैसिवली ट्रांसपोर्ट हुआ। अनलोडिंग भी यहाँ पे प्रेशर की वजह से हुई, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर था, यहाँ पे कम प्रेशर था, तो ये अपने हाई प्रेशर से कम प्रेशर में आ गया और एक्टिवली आया। लेकिन आने के बाद जो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा होता ग्लूकोज की वजह से, यहाँ पे पानी आया होता लेकिन ये ग्लूकोज तुरंत स्टार्च में स्टोर हो गया, तो उसका पानी रुका नहीं। ठीक है, मतलब वो अब वैसा सोल्यूट नहीं रहा जिसके जो पानी होल्ड करे। ठीक है, तो ऐसे में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होने से ये पानी बाहर छोड़ देता है, मतलब इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होती है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा एंडोऑस्मोसिस या पानी नहीं रुकता। तो पानी नहीं रुकने के वजह से ये यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल फ्लैसिड, मतलब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है। तो कभी भी फूड सोर्स से सिंक के तरफ जाता है तो अपने प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता है। ग्रेडियंट मतलब फ्रॉम हाई टू लो, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इस तरीके से एक मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। हाँ, अब जब ये फ्लूड यहाँ से, ये जो ग्लूकोज है ये यहाँ से यहाँ आ गया तो अल्टीमेटली यहाँ से सारा सोल्यूट निकल गया। अब सोल्यूट निकल गया तो ये पानी यहाँ पे रुकेगा क्या, नहीं। तो पानी भी नहीं रुकेगा तो पानी कहाँ चले जाएगा, वापस फ्लोएम में चले जाएगा। पानी यहाँ पे वापस फ्लोएम में चले जाए, सॉरी जाइलम में चले जाएगा। फ्लोएम से वापस पानी कहाँ चला गया, जाइलम में। तो एक बार फिर से समझते क्या किया हमने, मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में इन्होंने बोला कि सोर्स में बहुत सारा ग्लूकोज बना तो वहाँ पे सोल्यूट बढ़ा, सोल्यूट के पीछे पानी आया, एंडोऑस्मोसिस, सेल टर्जिड हुआ। टर्जिड सेल की वजह से ग्लूकोज सेल के बाहर एक्टिवली निकला, कंपेनियन में गया, कंपेनियन से एक्टिवली निकला किस में गया, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में जाने के बाद वहां पे भी ग्लूकोज की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, जिसकी वजह से पानी अंदर आया तो पानी की वजह से प्रेशर बढ़ा, एंडोऑस्मोसिस। प्रेशर की वजह से ग्लूकोज पानी के साथ अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस छन्नी से होते हुए छनते हुए आ गया है। ठीक है, और फिर आगे 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 ट्रांसपोर्ट हुआ, अल्टीमेटली वो उस जगह पहुंचा जहां पे उसका सिंक है। सिंक मतलब जहां पे उस ग्लूकोज को बाहर निकलना है, अनलोडिंग। तो अब ग्लूकोज बाहर निकल गया एक्टिवली, एक्टिवली बाहर निकल के ये सेल में चला गया। सेल में जैसे ही गया तो वहां पे जिस सेल में ये गया वहां स्टार्च में स्टोर हो गया। तो स्टार्च में स्टोर होने की वजह से वहां पे पानी के रुकने का कोई सवाल नहीं, तो वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। ठीक है, अल्टीमेटली क्योंकि इस वाले पार्ट से
सीयू ट्यूब से ग्लूकोज निकल गया बाहर, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं पानी ही पानी है, तो इस पानी को कम करने के लिए ये पानी वापस साइलम में चला जाता है, तो एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो ओवरऑल ये है मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको ये पूरी चीज समझ आएगी। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस एक ही इसका ड्रॉबैक बोला गया है बुक में, एक ही ड्रॉबैक है कि ये जो है बायडायरेक्शनल फ्लो को इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंस एक्सप्लेनेशन अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यही थ्योरी हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।